जय माता दी। हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी मासों में उत्तम कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा बहुत अधिक की जाती है और इसका बहुत अधिक महत्व होता है। इस महीने में तुलसी माता के पूजन का, तुलसी माता के पूजन का जो फल पुण्य हमें कार्तिक मास में मिलता है और जितनी जल्दी मिलता है वो अन्य किसी भी महीने में नहीं मिलता। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं तुलसी माता की पूजा से जुड़ी हुई कुछ कथाएं। अगर आप तुलसी पूजा करते हैं तो आपको भी ये कथाएं जरूर सुननी चाहिए या करनी चाहिए पूजा के समय। कार्तिक मास के पूरे महीने में तुलसी माता की पूजा की जाती है और सेवा करी जाती है। अगर आपने भी तुलसी पूजन का पुण्य कमाना है तो कार्तिक मास में आप तुलसी माता का पूजन कर सकते हैं। तुलसी माता बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं इस महीने में। कहते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और शाम के समय तुलसी माता को दीपक जलाया जाता है, उस घर में हमेशा विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। जो लोग तुलसी माता की जो माला है वो गले में डालते हैं, उनको सभी प्रकार के तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। तुलसी का पौधा हर तरह के वास्तु दोष को दूर करता है। जिस घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है वहां हर समय सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। परंतु कहा जाता है कि तुलसी माता जी का पौधा कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। अगर आप दक्षिण दिशा के कोने में तुलसी माता का पौधा लगाते हैं तो आपको कुछ दुष्प्रभावों को सहना पड़ सकता है। हो सके तो घर के आंगन के बीच ही तुलसी माता का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी माता को समय समय पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी कारणवश तुलसी माता का पौधा सूख जाए तो उसको घर में नहीं रखना चाहिए, जल में प्रभावित कर देना चाहिए और उस स्थान पर नया एक तुलसी माता का पौधा लगा लेना चाहिए। तुलसी माता के पूजन के समय तुलसी माता की प्रक्रिया का भी बहुत महत्व है। शास्त्रों की माने तो तुलसी माता की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन इतना संभव ना हो सके तो 7 बार, अगर वो भी संभव ना हो तो 5 बार या 3 बार तुलसी माता की परिक्रमा कर सकते हैं। अगर किसी स्थान पर तुलसी माता के चारों ओर परिक्रमा के लिए स्थान नहीं है तो आप जहां पर पूजा कर रहे हैं उसी स्थान पर खड़े होकर भी तुलसी माता की परिक्रमा कर सकते हैं। तो आइए अभी हम तुलसी माता से जुड़ी हुई ये कथा सुनते हैं। कार्तिक का महीना था, सभी औरतें तुलसी माता को सींचने के लिए जाया करती थी। उन्हीं औरतों में एक बूढ़ी औरत भी तुलसी माता को सींचने जाती थी और तुलसी माता की पूजा किया करती थी। जब भी वह तुलसी माता की पूजा करती थी तो वह कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिलरा सींचू तेरा, तू कर रिस्तार मेरा। तुलसी माता अनवा दे, लडवा दे, पिताम्बर की धोती दे, मीठी मीठी ग्रास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोद दे, चंदन की काठी दे, झालर की झनकार दे, खाई का राज साई का राज दे, दाल भात का चीमन दे और एकादशी की मोद दे और श्री हरि का कांधा भी दे। ये बात सुनकर तुलसी माता जी हर रोज सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने तुलसी माता से पूछा कि तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूख रही हो, तुम्हें तो बहुत सी औरतें सींचने आती हैं। तो तुलसी माता ने कहा, मैं क्या करूं, एक बूढ़ी औरत रोज मुझे सींचने आती है और हर दिन इसी तरह से वो मुझे बातें कह जाती है। तो तुलसी माता ने उस बूढ़ी औरत की सारी बातें भगवान श्री हरि विष्णु को बताई और तुलसी माता ने कहा कि मैं उसकी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ, लेकिन मैं श्री हरि का कान्हा का कांधा कहाँ से दूँ उसे, मैं कहाँ कैसे दे सकती हूँ। तो कृष्ण भगवान ने कहा, कांधा मैं दे आऊंगा जब वो मरेगी, तुम इस बात की चिंता मत करो। तो कुछ दिन के पश्चात बूढ़ी औरत का देहांत हो जाता है। अब सारे गांव वाले एकत्रित हो गए, परंतु वह तो इतनी भारी हो गई कि अर्थी को उठाना तो दूर की बात, कोई उसे हिला भी नहीं पा रहा था। तो सब लोग आपस में बातें करने लगे बूढ़ी औरत के बारे में। कहते हैं, ये तो बहुत पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट की माला भी फेरती थी, फिर भी इतनी भारी हो गई, लगता है बहुत ज्यादा पापिन थी ये बूढ़ी औरत।
और ढेर सारी इधर उधर की बातें करने लगे। तभी भगवान बूढ़े ब्राह्मण बनकर वहां पर आए और पूछने लगे, यहाँ पर भीड़ क्यों इकट्ठी हुई है? तब सब कहने लगे कि कोई बूढ़ी औरत मर गई है, लगता है बहुत पापिन थी, उसका शरीर इतना भारी हो गया है कि किसी से उठाया ही नहीं जा रहा। तब भगवान ने कहा कि मुझे कुछ समय दो, मैं इसके कान में कुछ कहना चाहता हूँ, शायद इसका शरीर हल्का हो जाए। और भगवान ब्राह्मण के रूप में उस बूढ़ी औरत के पास गए और उसके कान में धीरे से मन की बात सुनाने लगे। अटुआ ले बटुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठी मीठी ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की चाट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीमन ले, और सुन काना का कंधा भी ले। ऐसा सुनना था कि बूढ़ी औरत का शरीर एकदम हल्का हो गया, और इस प्रकार भगवान ने खुद बूढ़ी औरत को कंधा दिया और इसी तरह से उसकी मुक्ति हो गई। बोलो तुलसी माता की जय। जिस तरह से उस बूढ़ी औरत को माता ने मुक्ति दिलाई, उसी तरह से हर किसी का तुलसी माता कल्याण करे और भगवान श्री कृष्ण उनको बैकुंठ लोक में मुक्ति दिलाएं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इसी तरह से एक तुलसी माता से जुड़ी हुई पौराणिक कथा वृंदा की, वो शायद हम सब लोगों ने या हम में से बहुत से लोगों ने सुनी होगी, तो वो भी कथा हम आपको अगले पार्ट में सुनाएंगे। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक भी ये